तो चलिए दोस्तों, लेके आ गए हैं आपके लिए एक और कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन ओएस 11 के बारे में, जो कि रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको वन प्लस के डिवाइसेज में देखने के लिए मिल जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से डिवाइसेज है जिनमें रोल आउट हो रहा है नवंबर के महीने में, और अब जो बचे हुए डिवाइसेज है उनमें कब कब आएगा। ये जो अपडेट है ऑक्सीजन ओएस 11 का रोड मैप ऑफिशियली जो कन्फर्म हो चुके हैं, सारी की सारी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस तो हमेशा देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus जो है OnePlus 8 एंड 8 Pro जो है ऑक्सीजन OS 11 उनको अपडेट मिल चुका है फाइनली, और वो रोल आउट यानी जो रन कर रहे हैं ऑक्सीजन OS 11 पे, साथ ही एंड्रॉयड 11 के साथ में रन कर रहे हैं। और बाकी के जो फोन्स हैं मैं उनको आपको एक बार बता देना चाहूंगा, वो ऑक्सीजन ओएस 10. हाइड्रोजन ओएस सॉरी वन प्लस 6 प्रो 6T जो है वो हाइड्रोजन ओएस 10.0.8 का जो है उसके उस पर रन करते थे। उसका जो फीचर्स वगैरह है उनको भी अगर आप बताएंगे तो उस पर भी एक डिटेक्टेड वीडियो डेडिकेटेड वीडियो अलग से हम बना देंगे। अब बात करते हैं जो ऑक्सीजन ओएस 11 का रोड मैप है फाइनली ग्लोबल यूरोप एंड इंडिया के लिए है एंड्रॉयड 11 के साथ में जो आने वाला है ऑक्सीजन ओएस 11 वन प्लस नॉर्ड एंड 100 कोई सीरीज है उसके लिए, वन प्लस नॉर्ड एंड 10 के लिए, वन प्लस नॉर्ड के लिए आएगा वन प्लस 8T वन प्लस 8T प्रो स्टेबल अपडेट जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है इसी महीने में, और वन प्लस 8 के लिए भी स्टेबल वर्जन जो है कि वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही 5G है वन प्लस 8 5G, वन प्लस 8 5G WU वाला कोई एडिशन है, वन प्लस 8 वन प्लस 7T प्रो है मैकलन एडिशन जो कि है उसमें भी रोल आउट हो जाएगा इसी महीने में, और साथ ही वन प्लस 7T प्रो 7T 7T प्रो 5G वन प्लस 7 प्रो वन प्लस 6 वन प्लस 7 और साथ ही वन प्लस 6T का जो मैकलन एडिशन है उसमें भी आपको नवंबर के महीने में रोल आउट होना जो ऑक्सीजन ओएस 11 है किसी में ट्रायल वर्जन आएगा और साथ ही किसी में स्टेबल वर्जन भी आ सकता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं जो अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जो कि हाइड्रोजन ओएस 11 पे चाइना में बेस्ड थे, वो अक्टूबर का था 8 प्रो और वन प्लस 8 जो कि हाइड्रोजन ओएस पे हाइड्रोजन ओएस 11 है जो चाइना में चलता है उस पर रन थे, बट जो इंडिया में आने वाले हैं वो ऑक्सीजन ओएस 11 ही आएगा। अक्टूबर के महीने में वन प्लस 8 प्रो और 8 को जो स्टेबल वर्जन था वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका था, अभी तक रोल आउट हो रहा है 8 प्रो के लिए, वन प्लस 8T और वन प्लस 8 को जो भी यूजर्स हैं उनके लिए अभी जो अपडेट वर्जन है अपडेट स्टेबल वर्जन है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर के महीने से, और अब तक जो अपडेट है वो चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वन प्लस 8 प्रो यूजर है, वन प्लस 8T चलाते हैं, वन प्लस 8 है आपके पास, तो जाइए फटाफट से अपलोड कर लीजिए डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं दिसंबर 2020 में कौन कौन से डिवाइसेस होंगे जिनके लिए आएगा जो अपडेट, वन प्लस 7 प्रो वन प्लस 7 वन प्लस 7T प्रो और वन प्लस 6T वन प्लस 6 और वन प्लस नॉर्ड के लिए दिसंबर के महीने तक जो अपडेट है वो जा सकता है, बट नवंबर से ही रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जो डिवाइसेस की लिस्ट वगैरह हैं वो फाइनली कंफर्म हो चुकी है, बट जो अपडेट है वो हो सकता है कि आपको दिसंबर के महीने तक चला जाए रोल आउट होना। वैसे तो ऑक्सीजन ओएस 11 जो वन प्लस के फ़ोन्स होते हैं उनमें हमेशा जो आता है वो ऑक्सीजन ओएस 11 ही आता है, आपको एक क्लीन लुक एकदम देखने के लिए मिलता है। अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप लोग चलाते होंगे तो जानती होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप गूगल का कोई फोन यूज कर रहे हैं। यही थी कुछ जो लिस्ट थी उसको मैंने बता दिया कैसे कैसे बारी बारी से इस इन फोनों के लिए आएगा जो अपडेट, और 8 प्रो और वन प्लस 8 के लिए तो फाइनली अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और बाकी जो सारे फोन हैं नवंबर से लेके दिसंबर तक जाएंगे दिसंबर के एंड तक आपको सारे के सारे फोन में वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 11 देखने के लिए मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 के साथ में। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो यहाँ तक अगर आपने देख लिया यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जाके नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, तो आपके सपोर्ट की हमको जरूरत है। तो मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में किसी और नए दिन, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद वंदे मातरम।